चुनावी मैदान में भी ठीक क्रिकेट की ही तरह स्ट्राइक रेट बहुत अहम चीज मानी जाती है। स्ट्राइक रेट यानी चुनावी पिच पर अगर बैटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के साथ उतर रहे तो माना यह जाता है कि 70 से 80 उनकी स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट यानी 100 सीटों पर अगर वो प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उनमें से 70 से 80 सीटें वो बीजेपी के नाम कर देते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट और भी अच्छी हो जाती है जब उसमें मिल जाता है योगी आदित्यनाथ का साथ। अब प्रचार के काम में योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं, उनके भाषण लोग सुनते हैं। तो जब ये जबरा जोड़ी एक साथ हो जाती है तो प्रचार के पिच पर स्ट्राइक रेट आसमान पर। बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर खुद योगी आदित्यनाथ आगे आए। डर गई? नतीजे आने से एक दिन पहले गोरखपुर से लखनऊ आते मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की ये कहानी है जब बच्चे डर गए, इसलिए हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री की इच्छा के बावजूद उन्हें घुमाया नहीं जा सका। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जबरदस्त जीत दिलाने वाली मोदी योगी की जोड़ी का हेलीकॉप्टर प्रचार के दौरान खूब उड़ा। नतीजा है कि हेलीकॉप्टर शॉट जैसी जीत चुनाव में बीजेपी पाई। योगी मोदी के प्रचार ने कैसे विरोधियों की हवा उड़ाई, पहले ये हमने आपके लिए पता किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी और 90 के दशक से पहले तक जमकर यूपी में सत्ता पाने वाली कांग्रेस के 399 उम्मीदवारों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। 144 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा, 137 अपनी जमानत नहीं बचा पाई यानी इतने वोट भी नहीं जुटा पाई कि चुनाव लड़ने के लिए जमा की गई रकम वापस पाती। दलित वोटों की दावेदारी करने वाली मायावती की पार्टी ने अकेले 403 यानी सभी सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे लेकिन 290 सीटों पर मायावती के कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव के दो अहम सहयोगी आरएलडी और राजभर की पार्टी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई जबकि बीजेपी के दो प्रमुख सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने की नौबत नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव सीधे बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच हुआ जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से 85 लाख ज्यादा और कुल पड़े 8 करोड़ 35 लाख वोट में से 3 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए। तो इसकी वजह है मोदी योगी की डबल स्ट्राइक, जहां नरेंद्र मोदी अपना भरोसा योगी में दिखाते हैं और योगी जनता के बीच नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही जिम्मेदारी निभाने का भरोसा जताते हैं। किस यूपी वाले को गर्व नहीं होगा कि उनके मुख्यमंत्री पर कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक इस बात का गर्व करेगा कि पिछले कई दशकों से चारों तरफ जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकारों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है विरोधियों ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में प्रचार करने वाले दो सबसे बड़े नेता रहे। इसका आकलन ऐसे करिए कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान यूपी में 16,836 किलोमीटर की यात्रा की, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 18,200 किलोमीटर की यात्रा करके प्रचार करने पहुंचे। यूपी में रैलियों सभाओं के लिए जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने 24 रैली की 192 सीटें कवर की, योगी आदित्यनाथ ने 368 विधानसभाओं को अपनी 73 सभाओं के जरिए कवर किया। दोनों नेताओं ने प्रमुख रूप से विपक्ष को मिलकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, तुष्टीकरण, जातिवाद के चक्रव्यूह में घेरा। मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे।
देश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का। और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। इस जबरदस्त जोड़ी की प्रचार की लहर यूपी में इस तरह नजर आई कि कई कठिन परिस्थितियों और कड़े मुकाबले वाली सीटों पर भी बीजेपी ने हलवा बनाकर सत्ता का स्वाद चख लिया। इसका सबूत ये कि 2017 में प्रधानमंत्री ने 118 विधानसभा सीटों पर प्रचार करके 102 सीट पर जीत दिलाई थी। 2022 में 192 सीटों पर प्रचार करके प्रधानमंत्री ने बीजेपी को 134 सीटों पर जीत दिलाई है। प्रचार के दौरान अपने नमस्कार से भी जनता से एक संबंध अगर प्रधानमंत्री जोड़ते थे तो मुख्यमंत्री ने प्रचार में बुलडोजर से जनता से सीधा संवाद किया। बुलडोजर का रैलियों तक में पार्टी के झंडे की तरह मतदाता को संदेश देने के लिए इस्तेमाल हुआ। सुल्तानपुर की चुनावी रैली की एक तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री की सभा में बाबा का बुलडोजर का पोस्टर लगता है, जेसीबी और बुलडोजर खड़े दिखते हैं। इन्हीं बुलडोजर को आसमान से हेलीकॉप्टर से देखते हुए खुद मुख्यमंत्री उत्साहित हो गए थे और कह रहे थे, देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जबरदस्त जोड़ी की बुलडोजर की तरह मजबूत छवि का ही नतीजा है कि पहले चरण में 7 सभा नरेंद्र मोदी ने की, योगी ने भी 7 सभा की। इस चरण की बीजेपी ने कुल 58 में से 46 सीट जीती। दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी की 3 रैली हुई, योगी आदित्यनाथ की 9। इस फेज की कुल 55 में से बीजेपी ने 27 सीटें जीती। तीसरे चरण में पीएम की 3 रैली हुई, मुख्यमंत्री की 22। तीसरे चरण की कुल 59 में से बीजेपी ने 44 सीट जीती। चौथे चरण में 2 सभाएं पीएम की हुई, 11 रैलियां सीएम की हुई, यहां पर 59 में से 49 सीट बीजेपी ने जीती। पांचवें फेज में नरेंद्र मोदी की 3 रैली हुई, योगी आदित्यनाथ की 16, यहां पर 61 में से 40 सीट बीजेपी जीती। छठे चरण में 2 रैली पीएम की हुई, 2 ही सीएम की भी, यहां 57 में से 40 सीट बीजेपी जीती। सातवें चरण में 5 सभाएं पीएम की हुई, 6 सभा योगी आदित्यनाथ की, यहां 54 में से 26 सीट बीजेपी जीती। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की लड़ाई जीतकर होली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में 4 राज्यों की जीत की माला पहनने के बाद गुजरात में अगले चुनावी इम्तिहान की जीत दिलाने पहुंच गए हैं।